ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से जॉब को लेकर के बात करूंगी। कैसे आप जान पाए कि आपके लाइफ में कब कोई नौकरी मिलेगी, कब आपको प्रमोशन होगा, कब आपके कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस का टाइम पीरियड आएगा? क्योंकि जो भी लोग जॉब के लिए प्रयासरत होते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वो जान सके कब उनको न्यू जॉब मिलने के योग बनेंगे। इसी तरीके से जिनका बिजनेस होता है वो भी चाहते हैं कि कब बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी। या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, नई सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी भावना होती है कि कब उनको नई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी किसी अच्छी जगह पे हैं तो उन्हें कब प्रमोशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं और उसमें गोचर का क्या रोल होता है, उसे आप कैसे चेक कर पाएंगे? आज का जो मेरा टॉपिक है वो 10th हाउस के ऊपर बेस्ड है, जहाँ से आपकी आजीविका का पता चलता है, जो आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, आपके हर एक तरह के जो कर्म है, उस हाउस के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करूँगी और गोचर से उसको को रिलेट करके कि कब आपको इन चीज़ों की प्राप्ति होगी लाइफ में। चलिए इसी विषय पे बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए लोग चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हो इस वीडियोस को, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए अब बात करते हैं 10th हाउस के ऊपर, कैसे आपको प्रमोशन होता है, कैसे आपको प्लेसमेंट मिलती है। अभी देखिए, जो बच्चे किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट के कॉलेजेस हों, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका मेन पर्पस है, फोकस है कि आपको सर्विस कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपनी हॉरोस्कोप को ओपन करिए और देखिए कि जो आपकी लग्न कुंडली है, आज मैं जो कुछ बताऊंगी आपको लग्न के ऊपर बेस्ड बताऊंगी, इसमें नौमांश को भी मैं नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ। नौमांश को लेकर के बाद में मैं वीडियोज़ बनाऊंगी, उसकी सीरीज जब शुरू करूंगी तो वहाँ आपको बताऊंगी कि नौमांश से कैसे आप देख सकते हैं। अभी आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ लग्न कुंडली से आप देखिए। आप अपनी लग्न कुंडली को ओपन करिए, वहाँ पर देखिए कि आपके 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है और उस राशि का जो लॉर्ड है वो कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मेष लग्न की हॉरोस्कोप है और 10th हाउस में आपके शनि की राशि पड़ती है, तो आप एक पेपर पे सैटर्न को नोट करके रख लीजिए कि आपके जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो शनि है, और साथ में जो 10वां भाव होता है वहाँ का जो कारक भी होता है वो शनि भी होता है और सूर्य भी होता है। शनि इसलिए होता है क्योंकि शनि नौकरी का, आजीविका का कारक होता है, और जो हमारी नेचुरल हॉरोस्कोप होती है मेष लग्न की, वहाँ पे भी शनि ही उसको लेकर के चलता है, उस हाउस को, तो वो भी उसका कारक ही होता है। तरीके से देखा जाए, कहने का मतलब है कि कारक वैसे तो शनि को 8th का और 12th का मानते हैं, लेकिन सर्विस वगैरह को अगर आपको देखना है तो शनि को आप 10th हाउस से जरूर जोड़िए, क्योंकि 10वां हाउस जहाँ पे मकर की राशि है उसकी जो लॉर्डशिप है वो कहीं ना कहीं सैटर्न ही उसको गवर्न करता है। तो कारक के रूप में आप सूर्य को तो लेंगे ही और मंगल को भी लेंगे, लेकिन आप शनि को भी अपने दिमाग में जरूर रखिए। मेष लग्न के लिए मैं बता रही हूँ, तो 10th का जो आपका लॉर्ड हो जाता है वो शनि होगा। इसके बाद आप देखिए कि जो ये शनि है आपकी हॉरोस्कोप में सैटर्न कहाँ पे बैठा हुआ है। सपोज करिए कि सैटर्न आपका मेष में ही बैठा है, आपके लग्न भाव में ही आके बैठ गया है, तो आप को देखना रहेगा कि जो प्रेजेंट में ट्रांजिट है, जो भी का गोचर है, वहां पे आप गुरु को देखें कि गुरु कहाँ पे चल रहे हैं, और दूसरा आप देखें कि शनि कहाँ पे चल रहे हैं। तो जैसे आज की तारीख पे गुरु कुंभ राशि में है और शनि जो है मकर राशि में है, तो शनि जो है 10th हाउस में ही अभी बैठे हुए हैं। तो जितने भी जातक मेष लग्न और राशि वाले लोग होंगे, इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोफेशन को लेकर के, जॉब को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर इन्वॉल्व होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि गुरु जो है आपके लिए
भाग्य के मालिक हैं। वैसे भी गुरु जो है इनडायरेक्टली हर एक व्यक्ति के लिए उसके भाग्य को और उसके 12th हाउस की लॉर्डशिप को लेकर के वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। तो गुरु अभी कुंभ में है, वहां से वो 3rd हाउस से संबंध बनाएंगे जो कि पराक्रम का भाव होता है, और उसके बाद आपके 5th भाव से संबंध बनाएंगे दृष्टि के द्वारा, और आपके 7th भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो 7वां जो भाव होता है वो भी व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है। तो एकादश में बैठ करके गुरु जो है आपकी जो 10th हाउस है सर्विस वाला भाव है उसको भी इनडायरेक्टली वो प्रमोट करने का काम करेंगे, उसको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे, इस तरीके से आप समझिए। और सैटर्न चूंकि ऑलरेडी अभी मकर में बैठे हुए हैं और ये भी जो है आपके 12th हाउस को देखेंगे, जो गोचर का शनि है वो आपके 12th हाउस को देखेगा, साथ में आपके 4th हाउस को देखेगा और 10th हाउस से आपके 7th हाउस को देखेगा जो कि व्यापार का है, बिजनेस का है। तो जब भी गोचर का शनि और गोचर का गुरु आपके 10th हाउस से संबंध बना ले या 10th हाउस का जो लॉर्ड है उससे संबंध बना ले, या यही शनि और गुरु जो आपके चंद्र राशि है, चंद्र राशि से जो आपका 10वां भाव बन रहा है, चंद्र राशि को अगर आप सेंटर में कर देंगे तो चंद्र राशि से जो 10th हाउस बन रहा है उस हाउस से शनि और गुरु संबंध बना ले, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे वहां पर बैठ करके, चाहे युति के द्वारा, तो भी आपको नौकरी मिलने के या जॉब में प्रमोशन मिलने के, नौकरी मिलने के, कार्य क्षेत्र में जो भी प्रोग्रेस का टाइम पीरियड होता है वो सारी चीजें आपको दे सकते हैं ट्रांजिट का जो गुरु और शनि है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी चंद्र राशि होती है उसका भी प्रभाव होता है, लग्न राशि का तो होता ही है लेकिन चंद्र राशि का भी होता है। तो पहले आप लग्न राशि से देखिए कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, या तो 10th हाउस से ही शनि संबंध बना ले और गुरु संबंध बना ले, या तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है उससे शनि संबंध बना ले या गुरु संबंध बना ले, या जो आपका 10th हाउस है उसके त्रिकोण हाउसेज में जो उसके ट्राइन्स हैं वहां पर आकर के शनि और गुरु बैठ जाए, या जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में जिस जगह पे प्लेस्ड है उससे ट्राइन में आकर के शनि और गुरु बैठ जाए तो भी आपको जॉब मिलने के योग निर्मित हो जाते हैं। इसको मैं एक उदाहरण और आपको बताना चाहूंगी, जैसे भी मकर वाले लोग हैं, मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो भी गुरु हैं वो उनके 2nd हाउस में कुंभ राशि में ट्रांजिट में चल रहे हैं और सैटर्न उनके लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, सैटर्न अपनी 9th हाउस से और सॉरी सैटर्न अपनी 10th हाउस से और जुपिटर अपनी 9th हाउस से 10th हाउस से संबंध बनाए हुए हैं, मकर वाले जितने भी लोग हैं उनके 10वें भाव के ऊपर जो ट्रांजिट का गुरु और शनि है उसका प्रभाव है। तो मोस्टली जो मकर वाले लोग होंगे अगर उनकी महादशांतर प्रत्यंतर कहीं सर्विस को लेकर के चल रही होगी तो उनको नए जॉब मिलने के योग बनेंगे, जॉब में चेंजेस होने के योग बनेंगे, किसी तरह के प्रमोशन होने के योग बनेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज उनकी लाइफ में जरूर इन्वॉल्व होंगे जितने भी मकर लग्न राशि वाले लोग होंगे प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ट्रांजिट का जो शनि है और गुरु है उनके 10वें भाव को एक्टिवेट किए हुए हैं। अब ये जो एक्टिवेशन है ये दृष्टि के द्वारा भी बन रहा है और ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में 10th हाउस का जो लॉर्ड है उससे गुरु और शनि संबंध बना ले, या डायरेक्ट 10th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल दें, या जो कारक है 10वें भाव का जो कारक होता है सूर्य होता है मंगल होता है, अगर उनसे भी कहीं शनि का और गुरु का ट्रांजिट वाले जो शनि और गुरु हैं उनका कहीं दृष्टि संबंध युति ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्व होंगी तो आपका 10th हाउस जरूर एक्टिवेट हो जाएगा और जॉब के वहां पे कुछ फेरबदल शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि शनि और गुरु ट्रांजिट में आकर के जब भी आपके 10th हाउस से संबंध बनाते हैं, चाहे वो दृष्टि के द्वारा चाहे युति के द्वारा, आपकी लाइफ में सर्विस को लेकर के कोई ना कोई इवेंट जरूर होगी, चाहे वो बदलाव के लिए हो, चाहे आपको कोई नई जॉब मिले उस टाइम पीरियड में। ऐसे भी यही सेम चीज़ चल रही है वृषभ वालों के लिए, जो जितने भी वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं मोस्टली उनकी लाइफ में इस टाइम पे जॉब को लेकर के कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि वृषभ लग्न वालों के लिए 10th हाउस में कुंभ की राशि पड़ती है, वहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, वक्री स्थिति में गुरु शुभ ग्रह है और
उनके भाग्य भाव में मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं, 10th हाउस का लॉर्ड उनके भाग्य भाव में बैठा है, शनि 10th का लॉर्ड होकर के वो भाग्य भाव में 9th हाउस में बैठा है और गुरु उनके 10th हाउस में बैठे हैं। तो इस टाइम पीरियड में मोस्टली जो वृषभ वाले लोग हैं, जैसे कोई पढ़ने वाले बच्चे हों, स्टूडेंट हो, या कोई जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो उन लोगों को ज़्यादा संभावना है कि इस पीरियड में कोई नई जॉब मिल जाए, कहीं उनका प्लेसमेंट हो जाए, इस तरह की स्थितियाँ जरूर बनेंगी। तो आज जो मेरा पर्पस था आपको ये बताने का था कि कैसे आप चेक करें कि आपको नई जॉब कब मिलेगी। 10वें हाउस से जब संबंध बनता है तो नई जॉब, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और कई बार जो सर्विस होती है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस है, या कहीं पे भी आप प्राइवेट सेक्टर में कोई सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 6वां भाव भी जो होता है वो भी सर्विस का होता है। तो गुरु और शनि जब भी 6वें भाव से भी संबंध बनाते हैं, तब भी ये कई बार जॉब अपॉर्चुनिटी ला के दे देते हैं। हालांकि ये ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर थोड़ा आपका जो नेटल चार्ट है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो महादशांतर प्रत्यंतर चल रही, जो आपकी डीबीए चल रही है, अगर वो इस चीज़ को प्रूव करती होगी, वो इंडिकेशन दे रही होगी कि आपको जॉब मिलने के योग दिखा रही होगी, तो भी ये ट्रांजिट का जो गुरु और शनि है आपको जॉब दिलवा सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, और चार्ट मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से काम करना पड़ता है, और मोस्टली जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में रुचि ज़रूर होती है, तभी वो एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देखते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि मेरे बताने से भी आप इतना तो समझ पाते होंगे कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ उसको आप चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी जो बिल्कुल अननोन पर्सन है, जिसको ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ नहीं देखता जल्दी, अपने रुचि वाली चीज़ों को ही लोग देखते हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझिएगा कि सर्विस के लिए 10th हाउस से जब भी गोचर का गुरु और शनि संबंध बनाएगा, तो वो जॉब दिलवाना, जॉब में चेंजेस करना, प्रमोशन देना, ये सारी चीज़ें ज़रूर करेगा। और कारक मैंने शनि को इसलिए बताया है, इससे बहुत से लोग असहमत भी हो सकते हैं कि सैटर्न को मैंने कारक के रूप में क्यों लिया। कारक के रूप में इसलिए क्योंकि शनि सर्विस का ही कारक होता है और 10वां भाव उसके कंट्रोल में आता है, उसकी लॉर्डशिप उसके पास होती है। सूर्य मंगल तो है ही नैसर्गिक कारक 10वें भाव के, लेकिन शनि का भी बहुत बड़ा रोल होता है सर्विस दिलवाने में, और विशेष रूप से गवर्नमेंट सर्विस है या एनजीओ से जुड़ करके, या किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि पब्लिक के लिए किया जाता है, क्योंकि जनता का कारक ही शनि है और शनि सेवक है। तो वो जब गोचर में आकर के, ट्रांजिट में आकर के 10th हाउस से संबंध बनाता है, तो जॉब में जरूर चेंजेस लाता है, न्यू जॉब दिलवाना, प्रमोशन, कुछ ना कुछ परिवर्तन, 10th हाउस से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर घटित होती है। फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी नए विषय के साथ और नए टॉपिक के साथ, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जैसा भी आपको लगे आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, तो उससे एक आइडिया मिलती है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरे वीडियोज़ को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।